श्री परमात्मने नमः पार्थाय ओम श्री परमात्मने नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वा मनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी আমরা প্রথম অধ্যায় পাঠ করব সকালে ছাপা বইটা প্রথম অধ্যায় খুলবেন Yeah.
सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खं दद्मो पृथक् पृथक् Yeah.
शान्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं दुःखिं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जिह्नु वा मा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः समसुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा तेभिः हिता साङ्ख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि नेहाभिप्रवनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य ध्यायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि बहुशाखाह्यनान्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवर्त्य विवश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदा क्रियाविशेषबहुलान् भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया बाधितचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैर्गुण्या विषया वेद निस्त्रैर्गुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्व निर्योगक्षेमात्मभ्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते दूरेण ह्यपरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपाणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृन दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन् जनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतीतरिष्यति तदा कन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिभिप्रतिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचा बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थिरप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीतिं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थो मनोगतान् श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चदशो
श्रीमहाभारते सहस्रहस्याम्
हितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदशोऽध्यायः Yeah.
জগন্নাথের ধ্বজা পতাকা পাঠিয়েছেন। আমরা যে দিল্লিতে যখন আমরা গিয়েছিলাম তখন তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন এই অনুষ্ঠানের শুভ কামনা করার জন্য। আজকে তিনি